आखी कड़का था पिला दे जूझण लागो सु राम भी हाथ ठाले सजद बुझण लागो सु बाबू की तारीफ करनी किसे का बस की नहीं रहे पूजा भी छोटी पड़ जाए सजद पूजन लागू सु। दोस्तों मैं संजीत आस्था रशिया में एक नई कविता लेके आया हूँ। दोस्तों बाबू ईसा शब्द हरे जद भी कवाहानी नू लागा है भगवान का नाम ले लिया उसे बाबू की जिंदगी सामने इस कविता में दिखाऊंगा। हर जगह कविता पसंद आओ तो शेयर कर दियो भाई। कमा पर बहुत लिखा लोगो पर बाबू का कितने जिक्र नहीं और सब सस्ती जिंदगी इसकी पर किसे न फिक्र नहीं कच्ची बीत की डाल जरैस है बेरहने कितनी बमरस है और आज ईसा एक बाप की जिंदगी था मैं दिखाऊंगा बेटिया खातर के दिहाड़े भरे ये सारे बताऊंगा। रगाम सिवाड़ा जिला ब्याणी में एक चांदी नाम था लोगा का सीरी रहना उसका काम था कदे चौथन खेत आलदा कदे चौथन खेत बोंदा तो कदे आधा न मैस पलदा और दिन रात जाग की लोगा के खू डालदा सोनू मोनू नाम के उसके दो देखने जोगे बेटे थे चादर की जगह अपने गाथ पर गरीबी ओढ़ के लेटे थे। इब चांदी का एक के सपना था कि बालक पढ़ लिख जावा और मेरे के डाल सीरी ना बने कि ते नौकरी पर जावा जब बूंद आंधी तो छतरी की जगह कट्टे की टोपी बनाया करता और एक टूटी सी साइकिल पर बड़का ने छोड़न जाया करता और कई बेमास्टर गल भी लड़िया था मेरे बालक साचे है इस बात पढ़िया था। एक दिन खेताड़ा मालिक ने कही के करेगा बालक पढ़ा के मारे गोबर ठाणा है कोई फायदा नहीं सर पर चढ़ा के दिन रात कमावत दो टूक ढंग तक खा लिया कर और फिर साढ़े पीछे बच जाए बड़का ने खेती में ला लिया कर। सुन के चांदी बोलिया आज के बाद ना आपकी फसल संभालूंगा एक बाप हूँ ढंगता अपने बेटे पालूंगा अट्ठा की पटोड़ा दुलड़ा ओ डाया था पकी पकाई फसल न चांदी खेत के में छोड़ आया था। इब छोड़ के खेती चांदी खुली दिहाड़ी करन लग गया और जाकी लोगा कच्चे जी पर तगार में पानी भरन लग गया और मी के मैं लोगा की छात पक्की करदा हंड था 30-30 रुपया खातर घराली गल्ले बटोड़े दरदा हंड था। पर एक चीज थी बड़का की फीस इबी टेम पर जाव थी कापी किताब सलेट पिलसन टेम पर आव थी और बड़का ने जाडा ना सेजा पहली बई ट्रिबिल भी आया था और काटड़ी बेच की इबकल गर्मी में पंखा भी आया था टबरा खातर हर टेम भगवान आला जाप था और करे भी क्यों नहीं आखिर चांदी एक बाप था धीरे धीरे टेम कटता रहा और चांदी का सर पर कर्जा बढ़ता रहा। जब तक सपरे चढ़े थी चांदी बीमार रहने लग गया था और गणे दिन कौन जीऊ नु कहने लग गया था। इस बीमार पड़ा पड़ा खाट में मुंह नबा रहा था और बड़का का मुंह की हंसी छिन जागी जिंदगी का धक्के ला रहा था। एक दिन दोनों छोरे स्कूल ते भाजे भाजे आए और गल्ला एक मास्टर का संदेश भी लाए पापा पापा कल मारे स्कूल में पार्टी होगी जो तेरे 400 रुपया न खोवेगी। चांदी बुसोड़े मुंह तक बड़का का नहीं लिखा हुआ था और बिन बोले पर भीतर का सारा हाल बतावा था। जब पिस्से होंदे तो डॉक्टर पे एक सुहाना लगवा लेंदा और बुखार चढ़े 5 दिन हो गए गोली मंगवा लेंदा। देख के बड़का का चांदी का दिल पसीज गया और सूखा पड़ा मुंह अश्वत बीज गया वह चांदी है के इतना मगर न धर्मा जमींदार आ गया। हाँ बोल सच्चा चांदी न भी कोई पा गया रके बोलू सुन तड़का खेत में रात जागेगी तैयार रहिए अपने गेवा की मशीन लगेगी गारा पे एक बंदे की जरूरत है मैंने सोची चांदी ने बुला लू कालू तो ऊत है। ठीक है चाचा तड़का टेम तो आऊंगा और कि मैं पीछे दे जा सांझ न साग सब्जी ले आऊंगा ले 500 रुपये बाकी गेहूं का डे पाछे दे दूंगा चिंता ना करे बाकी तो पीछे अच्छे दे दूंगा। ये बात तो बरली पर चांदी पे उठा कौन जावा था कई बात तो बरली पर चांदी पे उठा कौन जावा था और जद भी जोर लावे उल्टा खाट में पड़ा पावा था। क्यों हो गया एक रात की बात है बड़का खतर पीछे आ जाएंगे मेरे छोरे ने कोई कौन टोका है उन जिसे आ जाएंगे लेकी पीछे बड़का बालक अगले दिन स्कूल का नहीं हो लिए और चांदी ने भी खेत में जान खतर मुंह हथ पद हो लिए। इब खा की बासी रोटी उठा की साइकिल चाल पड़ा और थोड़ी देर पाछे था धर्म का खेत में खड़ा। इब भीतर न दिखाने खातर गारे आग न बढ़ गया और लेकी सारा गोड्या का थ्रेसर पर थ्रेसर का फट्टे पर चढ़ गया। एक जना ठुआनिया 4 जने ठानिए थे और 3 जने पकड़ानिए 2 जने दकानिए थे। इतना मैं गल्ला बोला रह चांदी आग न लखा मैं पानी की घूट पियाऊ तू गारे दका। चांदी का गात में जान का फाका नहीं रह रहा था फिर भी बेचारा किसे न निकाह रहा था। इतना मैं एक बरोटा मशीन का पट्टे पर दस गया इतना मैं एक बरोटा मशीन का पट्टे में दस गया और देख दी मशीन मागला गहरा फंस गया। एक मुट्ठी जान रह रही थी उसने काट की पटे पदर है पूरा जोर लाया पर चांदी के करे जोर लांदे लांदे आंगली गरारी में फंस गई
एक एक करके भीतर में दसू दसगी और अंगलिया पाछे भीतर हाथ भी दे लिया। हाथ आंदी है चांदी पटन अपने ऊपर ले लिया। जत्ती लोग मशीन बंद करण बाजे रसुंडी तो ऊपर का जा लिया था। अरे एक भूखा बाणा कमजोर आदमी आज मशीन ने पूरा खा लिया था। और पतराल मत गेवा की जगह खून पड़ा था। बीच बीच में मांस का लोथड़ा बुड़िया मरे था। और देख के अपने बेटे नया धरती रोगी थी। और चांदी का खून तो लोगों लाल होगी थी। इस बीच पैर में कसुत्ता तमाशा हो रहा था और सबका जीना अड़ रासा हो रहा था। इस मानस खानी मशीन ने चांदी का गात बढ़ा था और लेकी कट्टा धर्मन एक एक टुकड़ा भीतर तक काटा था। मशीन का भीतर चांदी की आंख न्यारी पड़ी थी और तीन चार आधी आधी अंगली कटकी बीच झारणी में खड़ी थी। जब ये आंख ठाई तो रनू लाग था। जब चांदी की आंख ठाई तो नू लाग था के बालक देखण खातर जनू चांदी ई भी जाग था। रे बेटे खातर गात की जिसने सानी कटवा दी और खुद का शरीर की एक एक चीज मशीन थी बटवा दी। रे यो एक बाबू नी बिराने कितने मरे है और जो बेटिया खातर अपनी जिंदगी नाम कर रहे हैं। और ये बालक जो बड़े हो की कुत्ते घर में रखावा है और बुढ़ा होए पाछे उस बाप ने बाहर दकावा है। कई वृद्धाश्रम में पड़े हैं तो कई भीख मांगे है और कई दुनिया की बेइज्जती तड़पते रहे फांसी टांगे है। पर बेटिया ने धरती पर चलान खातर अंगारिया पर चढ़ा हुआ है। जो दुख तकलीफ आन पलक होले इसा खड़ा हुआ है। संजीत जो कम है के बाबू भगवान है रे गलत कम है। बाबू भगवान नहीं भगवान ते भी बड़ा हुआ है। रे बाबू भगवान नहीं भगवान ते भी बड़ा हुआ है। भगवान ते भी बड़ा हुआ है।